दोस्तों, आप में से कई लोग बचपन से कोका कोला, मिरिंडा जैसी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते आ रहे होंगे और कई लोग तो इसको रोजाना भी कंज्यूम करते होंगे बिना ये एहसास करे कि वो शायद इससे एडिक्टेड हो चुके हैं। तो अगर आप किसी भी 750 ml कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को पीछे अगर घुमाकर देखेंगे दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कम से कम 350 के आसपास कैलरीज होती हैं, 330 कैलरीज होती हैं, और ये उतनी ही कैलरीज होती हैं जो कि आपको किसी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन जैसे कि ब्रेड ऑमलेट हो गया या फिर पोहा की एक कटोरी हो गई, तो उसमें भी इतनी कैलरीज होती हैं जितना कि एक 750 ml कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होती है। इसके अलावा इसमें काफी ज्यादा हैवी क्वांटिटी में शुगर्स का इस्तेमाल होता है, टेबल शुगर का इस्तेमाल होता है, जिसके कि जो नुकसान होते हैं उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। पहले हम लोग जो इसमें दूसरे हानिकारक केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज किए जाते हैं, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोका कोला की बोतल के पीछे आप देखेंगे तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको जो दिखेगा वो है एसिडिटी रेगुलेटर 338। इट्स अ कोड नेम फॉर फॉस्फेरिक एसिड E338। तो जो ये फॉस्फेरिक एसिड है, इसको ऐसा प्रिजर्वेटिव इसमें डाला जाता है ताकि इसमें किसी तरह की बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को रोका जा सके। और जो कोका कोला में आपको ये जो टैंगी फ्लेवर मिलता है दोस्तों, वो भी इसी फॉस्फेरिक एसिड की वजह से आता है। अब रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इसकी वजह से टूथ डिके जैसी समस्या हो सकती है, खासतौर में अगर बच्चों की बात करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स डेट हैव फॉस्फेरिक एसिड इन देम। इसके अलावा कोला ड्रिंक्स की अगर हम बात करते हैं, किसी भी ब्लैक कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, तो आपको उसमें जो डार्क और चॉकलेटी कलर देखने को मिलता है, इसको बनाया जाता है सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर को अमोनियम और सल्फाइड के साथ इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको बर्न किया जाता है, और तब जाके ये चॉकलेटी कलर यहाँ पर तैयार होता है, और इस कलर को ये लोग बोलते हैं E150। तो ये जो कलर है दोस्तों E150, जब ये तैयार होता है तो इससे जो रेजिड्यू प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है 4-methylimidazole। तो ये जो 4-MEI है, ये एक तरह का कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है, और कार्सिनोजेनिक से हमारा मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कि कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके अलावा काफी सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में, चाहे कार्बोनेटेड हो या नॉन कार्बोनेटेड हो, उसमें E211 का इस्तेमाल होता है, और ये जो E211 है ये एक कोड वर्ड होता है सोडियम बेंजोएट के लिए। और ये जो सोडियम बेंजोएट है दोस्तों, इसको भी ऐसा प्रिजर्वेटिव ही यूज किया जाता है, लेकिन मान लीजिए ये हमारी बॉडी में जाने के बाद विटामिन सी के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो इससे बेंजीन गैस पैदा होती है, और ये जो बेंजीन गैस है ये वही गैस है जो कि आपको किसी गाड़ी के एग्जॉस्ट से या फिर किसी फैक्ट्री की चिमनी से निकलते हुए दिखती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कितने ज्यादा हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ये अब तक तो आपको समझ में आ ही गया। तो इससे पहले इस टॉपिक पर काफी सारे वीडियोस वगैरह काफी बन चुके हैं, और उनमें अगर हम व्यूज की बात करते हैं तो लाखों करोड़ों में व्यूज भी आए हैं, लेकिन क्या इससे हमारी सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? क्या लोगों ने इसके सेवन को करना कम करा है कि नहीं? देखिए, अभी रिसेंटली इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से एक न्यूज आर्टिकल आया था, और उसमें ये बताया गया था कि जो कोका कोला का ब्रांड है स्प्राइट, इन टर्म्स ऑफ एनुअल सेल्स उसने $1 बिलियन का जो एक अचीवमेंट है, $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा है, और ऐसा करने वाला वो कोका कोला का दूसरा ब्रांड है। इससे पहले थम्सअप ने भी $1 बिलियन सेल्स रेवेन्यू मार्क को क्रॉस करा है इंडिया के अंदर। ये तो बात होगी इंडिया की। अगर वर्ल्ड में देखते हैं हम, तो जो ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है उसका जो अगर हम टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो वो $221.6 बिलियन के आसपास है, और यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2021 से लेकर 2028 के बीच में ये जो रेवेन्यू है ये 4.7% की दर से ये ग्रो होगा, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है उसका जो साइज है, मार्केट साइज है, वो 4.7% CAGR की दर से ग्रो होने वाला है। तो ये यहाँ पर काफी चिंता का विषय बन जाता है। अब जो दूसरा एक सबसे बड़ा की इंग्रेडिएंट इन कोल्ड ड्रिंक्स में आपको देखने को मिलेगा वो होता है शुगर, टेबल शुगर यानी कि सुक्रोज। तो ये जो टेबल शुगर है, इसके बारे में सभी जानते हैं कि अगर आप काफी हाई वॉल्यूम्स में, काफी हैवी वॉल्यूम्स में आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक पुरानी हिस्टोरिक स्टडी है प्रोजेक्ट 259 के नाम से, उसको दोबारा से उन्होंने रीएनालाइज करा और वहां पर पाया गया हाई शुगर कंजम्पशन है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है वेरियस हार्ट एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के साथ। और अगर हम एक रिसर्च रिपोर्ट की बात माने तो हर साल दुनिया भर में 184,000 तक एडल्ट डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ शुगर एडिक्शन, और यहाँ तक कि शुगर एडिक्शन को किसी ड्रग के एडिक्शन, कोई ड्रग्स जैसे कि कोकेन या फिर हेरोइन के एडिक्शन से कंपेयर करा गया है। तो जब भी हम काफ़ी भारी मात्रा में शुगर या फिर चीनी का कंजम्पशन करते हैं तो इससे हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक प्लेजर केमिकल प्रोड्यूस होने लग जाता है, और ये जो डोपामाइन है इसकी वजह से हम एक यूफोरिक यानी कि काफ़ी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं।
तो प्रोलॉन्ग्ड डोपामाइन सिग्नलिंग की वजह से हमारे ब्रेन में मौजूद जो रिवॉर्ड पाथवेज होते हैं उनको ज्यादा चीनी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो फिर से डोपामाइन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकें। तो अगर आसान भाषा में कहें तो एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन की वजह से हमारा दिमाग शुगर टॉलरेंट हो जाता है और वी नीड टू कंज्यूम मोर शुगर एवरी टाइम इन ऑर्डर टू अचीव द सेम शुगर हाई। और इसी वजह से दोस्तों जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम या कोई भी शुगरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसको मतलब कि हम अपने आप खुद को रोक नहीं पाते हैं और हमें बार बार उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का मन करता है। तो इसकी वजह से एक तरीके का एडिक्शन की हैबिट हमें लग जाती है। दोस्तों 2018 में एक मिनी लिटरेचर रिव्यू आया था और उस रिव्यू में शुगर और जो दूसरे स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं उससे पड़ने वाले हमारे दिमाग के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करी गई थी। तो इसमें ये बताया गया था ये जो बेवरेजेस हैं इसमें सर्टेन केमिकल्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं और आगे चल के इसकी वजह से स्ट्रोक और डिमेंशिया जैसी बीमारी होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसा भी इस रिपोर्ट में पाया गया था कि इसके सर्टेन इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका जो स्लीप साइकिल है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो मेमोरी है, मेमोरी और मोटर कोऑर्डिनेशन है, इस पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये कि बच्चों में खासतौर पर अगर बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन करते हैं तो उनको ADHD जैसी बीमारी होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर शुगर इतनी ज़्यादा हानिकारक है तो हम लोग तो इसका बचपन से सेवन करते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से शुगरी प्रोडक्ट्स, शुगरी ड्रिंक्स, बेवरेजेस वगैरह का हम लोग सेवन करते आ रहे हैं, तो हमें किसी तरह का नोटिसेबल इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है? इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि चीनी एक बार हमारे शरीर में जाती है तो किस तरीके से वो प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले चीनी होती है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड होता है जो कि बेसिकली इट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक शुगर, स्टार्चेस एंड इवन सेल्यूलोस। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है डाइसैकेराइड और दूसरा होता है मोनोसैकेराइड। तो ये जो डाइसैकेराइड है इसका मतलब हुआ, सैकेराइड मतलब होता है शुगर और डाई मतलब हुआ टू। इसी तरीके से मोनोसैकेराइड में जो सैकेराइड है वो शुगर हो गया, मोनो मतलब वन हो गया। तो डाइसैकेराइड में आता है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, और मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो जो डाइसैकेराइड है दोस्तों इसमें जो सुक्रोज आता है ये बेसिकली यही टेबल शुगर होती है, और क्योंकि ये टेबल शुगर सुक्रोज है यानी कि डाइसैकेराइड है तो इसको बनाने के लिए दो मोनोसैकेराइड की जरूरत पड़ती है। तो जो दो मोनोसैकेराइड इस सुक्रोज को बनाते हैं वो होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो जब भी हम शुगर को कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले शुगर हमारे स्टमक में जाती है, और वहां पर जाने के बाद हमारा स्टमक उसको सबसे पहले टेबल शुगर को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और ये जो ब्रेकडाउन और डाइजेस्टिव प्रोसेस है ये शुगर के एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब एक बार ये प्रोसेस हमारे ये ब्रेकडाउन प्रोसेस हमारे स्टमक में कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू होकर ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाती है। ब्लड स्ट्रीम में मिल जाने के बाद ये सीधे जाती है लिवर में, और लिवर में दोस्तों ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है सबसे पहले इसमें से जो फ्रुक्टोज है लिवर हमारा उसको भी ग्लूकोज बना देता है। सो दैट्स वाई ग्लूकोज इज द ओनली मोनोसैकेराइड यानी कि सिंपल शुगर जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी उसको ऐसा एनर्जी फ्यूल यूज कर लेती है। अगर कुछ भी एक्सेसिव ग्लूकोज यहाँ पर रह जाता है तो वो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है एज फैट, विच लीड्स टू वेट गेन एंड अदर हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है वो ये है कि जैसे हम कुछ दूसरे फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं जिसमें स्टार्च पाया जाता है जैसे कि पोटैटो हो गया या फिर ग्रेन्स हो गए या फिर राइस हो गए, तो इसमें जो स्टार्च होता है तो ये भी तो एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या हमारी बॉडी यहाँ पर किसी तरह का डिफरेंशिएशन करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी ये डिफरेंशिएट नहीं करती है कि ग्लूकोज या शुगर उसे कहाँ से मिल रही है, किस सोर्स से मिल रही है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब हम लोग ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ ग्लूकोज को नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ वेरियस विटामिंस, मिनरल्स, फाइबर्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो स्टार्च में जो शुगर होती है वो एक पॉलीसैकेराइड होती है यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। तो जब वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, और स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से जो हमारे ब्लड शुगर लेवल हैं वो काफ़ी धीरे से बढ़ते हैं और काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन रहते हैं। लेकिन जब हम टेबल शुगर को कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो शुगर होती है मोनोसैकेराइड वो एक सिंपल शुगर होती है, तो वो हमारी ब्लड में काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है और उसी की वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो टेबल शुगर से जो कैलरीज होती हैं दीज आर बेसिकली एम्प्टी कैलरीज, अनलाइक जो ग्रेन्स और
पोटैटो और वाइट राइस से जो हमें शुगर मिलती है, विच ऑल्सो कम्स पैक्ड विद वाइटामिन एंड अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हमारी बॉडी किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर नहीं करती है, तो यहाँ पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुगर का कंजम्पशन खराब नहीं है, लेकिन बिकॉज इतना ज़्यादा शुगर इन्वेसिव हो चुकी है आज के टाइम में, हर प्रोसेस्ड फूड में अगर आप देखेंगे, हर बेवरेज में आप देखेंगे, तो आपको एक्सेसिव शुगर का इस्तेमाल उसमें दिखेगा। तो इतने ज़्यादा एक्सेसिव शुगर के कंजम्पशन की वजह से ज़रूर शुगर आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक गाइडलाइन को इशू करा था, उन्होंने उसमें बताया था कि एक एडल्ट को 6 टेबलस्पून चीनी से ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। लेकिन बिकॉज इतना ज़्यादा चीनी हर प्रोसेस फूड में अवेलेबल है कि हम लोग ये जो एक क्वांटिटी बताई है WHO ने, हम इसको बहुत ईजिली एक्सीड कर देते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और एक्सेसिव क्वांटिटी में हम शुगर को कंज्यूम कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इसको लेकर क्या हमारी सरकार को किसी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? अभी तक हमारी सरकारों ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने किसी तरह की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, डायट्री गाइडलाइंस को क्यों नहीं इशू करा है? तो देखिए, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारा इंडिया का जो डिपेंडेंस है ऑन शुगर इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है। अभी रिसेंटली दोस्तों एक न्यूज़ डेवलपमेंट आई थी कि इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 के बीच में 395 लाख मेट्रिक टन शुगर का प्रोडक्शन हुआ था, और इस 395 LMT शुगर में से 35 LMT शुगर को एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा और तकरीबन 110 LMT शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। शुगर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड कॉमोडिटी इन इंडिया आफ्टर कॉटन एंड टेक्सटाइल। और इस पर अगर हम रूरल इंडिया पॉपुलेशन की बात करते हैं तो तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज डिपेंड करती हैं फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारी देश की गवर्नमेंट हो या दुनिया में कहीं की भी गवर्नमेंट हो, वो शुगर को लेकर कोई बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को इशू नहीं करती हैं, क्योंकि शुगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है दुनिया भर में। अगर हम इकोनॉमी में भी देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर खासतौर पर अगर हम प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर उनको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का भी मेरा ये रीज़न था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर करा सकूं कि किस तरीके से वो लोग शायद अनजाने में ही काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी सब्सटेंसेस और केमिकल्स को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं और उनको इसके बारे में पता भी नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लगा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर हो सकें। मैं फ्यूचर में भी आपके लिए इसी तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टरनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।